वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ आशमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्षी दलों की बैठक, तो सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की ये बैठक होगी। बैठक में आगे की रणनीति को लेकर किया जाएगा विचार विमर्श। तो निलंबन के फैसले को विपक्ष ने अलोकतांत्रिक बताया है, तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। विपक्षी दलों की तरफ से अब ये बैठक बुलाई गई है, तो जिस तरह से 12 सांसदों को निलंबित किया गया उसके बाद ये विपक्ष की बैठक कई मायनों में काफी अहम है। और जो फैसला 12 सांसदों को लेकर लिया गया है निलंबन का, उसे अलोकतांत्रिक विपक्ष की तरफ से बताया जा रहा है। तो अब इसमें आगे की जो रणनीति है उसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा बैठक में। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहा है इस वक्त की विपक्ष की तरफ से। अब मोर्चा जो है वो इस निलंबन को लेकर खोल दिया गया है और बैठक यहाँ पर इसके जरिए आगे की रणनीति तय जो है विपक्ष की तरफ से की जाएगी। तो 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष की ये बैठक कई मायनों में काफी अहम। तो 12 सांसदों के निलंबन पर ये आज विपक्ष की तरफ से बैठक बुलाई गई है जिसमें आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। तो बता दें कि राज्यसभा से 12 सांसदों को उनके बर्ताव की वजह से निलंबित कर दिया गया था। विपक्ष ने अब इस फैसले की निंदा करते हुए इस निलंबन को अलोकतांत्रिक कहा है और इस निलंबन पर विपक्ष ने एक संयुक्त बयान भी जारी किया है। तो विपक्ष ने आज सुबह 10 बजे ये बैठक बुलाई है जिस पर आगे की कार्रवाई को लेकर चर्चा की जाएगी। तो मॉनसून सत्र में हुए हंगामे पर राज्यसभा से 12 सांसदों को उनके बर्ताव की वजह से निलंबित कर दिया गया था और ये सांसद अब सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकेंगे। तो विपक्ष ने इस फैसले की निंदा करते हुए इस निलंबन को अलोकतांत्रिक बताया है और सुरक्षा कर्मियों की तरफ से दिए गए वीडियो फुटेज के आधार पर राज्यसभा सांसदों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। अब विपक्ष इसमें एकजुट नजर आ रहा है। 10 बजे की बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा यहां पर की जाएगी।